आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि भारत ने एक एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी की डिमांड चाइना सहित कई देशों से की थी, लेकिन हर बार की तरह भारत इसे मांगने में असफल ही रहा है। पर खुशी की बात यह है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब एक देश ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है जो भारत को इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। और भारत को मिल रही इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब भारत पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरीज एक्सपोर्ट कर सकता है। और जिस देश ने भारत के साथ में हाथ मिलाया है इसके पास अभी करीब 21 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं। जहां पर भारत इस देश की मदद माइनिंग सेक्टर में करेगा, वहीं भारत की ये देश मदद लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करने वाला है। यानी कि दोनों ही दूसरे की मदद करके पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरीज इंडस्ट्री को ग्रो करने वाले हैं। पूरी डेवलपमेंट का है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां बड़ी खबर यह है कि भारत के हैदराबाद बेस्ड कंपनी अल्टीमन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, इन्होंने रिसेंटली YLB बोलिविया बेस्ड कंपनी के साथ में पार्टनरशिप साइन कर ली है, जिसके बाद कंपनी को लिथियम बैटरीज और CLFP टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है। और यही वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से भारत दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज एक्सपोर्ट कर सकता है। असल में ये कंपनी भारत को पहले तो एक लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी ऑफर करेगी, जिसमें नॉर्मली लिथियम आयन बैटरीज जैसे तैयार की जाती है वैसे ही तैयार की जाएंगी, लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है CLFP, वो है कार्बन कोटेड लिथियम आयरन फॉस्फेट। कहने को तो ये भी एक तरीके की लिथियम आयन बैटरीज है, लेकिन यहाँ पर कैथोड मटेरियल पर लिथियम आयरन फॉस्फेट की कोटिंग की जाती है, जिसके बाद ये बैटरीज और ज्यादा एडवांस बन जाती हैं। और अगर कुछ खासियत की बात की जाए तो सबसे पहली चीज है सेफ्टी। ये बैटरीज बहुत ज्यादा सेफ मानी जाती हैं जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और LFP बैटरीज की खासियत ये है कि किसी भी वेदर कंडीशन में ये सस्टेन कर सकती हैं। आपको बता दें, भारत के अंदर इस्तेमाल की जा रही जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें लगने वाले 90% लिथियम बैटरीज चाइना से इम्पोर्ट की जाती हैं, लेकिन चाइना के वेदर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन हुई बैटरीज भारत के अंदर कई बार नुकसान के कारण बनती हैं। आपने कई बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की कंडीशंस देखी होंगी, वो इसी टेक्नोलॉजी न होने की वजह से देखी गई हैं। और भारत को मिली LFP टेक्नोलॉजी के बाद भारत किसी भी देश के अंदर, चाहे वो एक्सट्रीमली हॉट हो या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड, भारत किसी भी देश के अंदर लिथियम आयन बैटरीज एक्सपोर्ट कर सकता है। दूसरी चीज है वेट। ये कंपनीज लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में काफी ज्यादा हल्की होती हैं, इससे व्हीकल और ज्यादा हल्के होंगे और उनका जो बैकअप टाइम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी चीज मेंटेनेंस। LFP बैटरीज बहुत ही कम मेंटेनेंस रिक्वायर करती हैं, या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर लाइफ स्पैन भी इन बैटरीज का बहुत ज्यादा होता है, लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में ये 3 से 4 साल ज्यादा चलती हैं। चार्जिंग फास्टर होती है, पावर आउटपुट लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में और ज्यादा होती है, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल भी लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में कई गुना ज्यादा होते हैं। और भारत इसी टेक्नोलॉजी के लिए एक लंबे वक्त से प्रयास कर रहा था, लेकिन फाइनली बोलिविया यहाँ पर निकलकर सामने आया है। और भारत और बोलिविया के रिलेशंस की बात की जाए तो दोनों ही देशों ने एक लंबे वक्त से अपने रिलेशंस को स्ट्रांग कर रखा है, जहाँ पर कल्चर, माइनिंग, वीजा, डिप्लोमेटिक, स्पेस, मेडिसिन और हर तरीके की इंडस्ट्री में पार्टनरशिप कर रखी है। इसके अलावा भारत की कई बड़ी माइनिंग कंपनीज ने बोलिविया के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है वहाँ पर माइनिंग को लेकर के। और साल 2021 में करीब 15,000 टन लिथियम एक्सपोर्ट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप भी की गई थी। और बोलिविया भारत के अंदर करीब $1.86 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मेजोरिटी गोल्ड, बोरेक्स और स्क्रैप कॉपर एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं भारत भी करीब 100 से 150 मिलियन US डॉलर के प्रोडक्ट बोलिविया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। और इसी तरीके से दोनों ही देश अपने रिलेशन एक लंबे वक्त से चलाते आ रहे हैं, और आज भारत की करीब 100 से भी ज्यादा कंपनियां बोलिविया के अंदर मौजूद हैं। ओवरऑल बात की जाए तो भारत को मिली LFP टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी भारत को ये टेक्नोलॉजी ऑफर करी है उसने 3 साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया, इसके पेटेंट करा लिए थे, और अब सिर्फ कुछ ही गिने चुने देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भारत सरकार को एक्टिव होकर के बोलिविया के अंदर बड़े स्केल पर लिथियम की माइनिंग शुरू की जानी चाहिए, वहीं एज वेल भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिले लिथियम पर माइनिंग शुरू की जानी चाहिए, और दोनों ही देश लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री में साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रो कर पाए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर मूव कर रही है और ये भारत के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। भारत सरकार को यहाँ पर एक्टिवली काम करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।